सच में गाइज रियोट एफएफ ने एक लड़की के साथ गलत काम करके उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अब देखो इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है, सब कुछ तुम्हें इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। बस तुम लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब देखो गाइज, अगर तुम लोग रियोट एफएफ को जानते हो तो उसके एक फ्रेंड राज को तो जानते ही होंगे, एंड तुम्हें ये भी पता होगा कि राज की एक गर्लफ्रेंड भी थी। अब देखो कुछ यूट्यूबरों के मुताबिक रियोट एफएफ ने राज की गर्लफ्रेंड से राज के बारे में कुछ झूठी झूठी बातें बताकर राज की गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। अब देखो रियोट एफएफ और राज की गर्लफ्रेंड के बीच में क्या चल रहा था इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। वो तो मुझे कुछ महान ज्ञानी यूट्यूबरों के वीडियोस से पता चला था कि रियोट एफएफ ने राज की गर्लफ्रेंड को अपना गर्लफ्रेंड बना लिया। वैसे सच बताऊं गाइस तो मैंने पैसे स्कैम सुना था, आईडी स्कैम सुना था, लेकिन ये गर्लफ्रेंड स्कैम पहली बार सुन रहा हूं। वैसे गाइस जब गर्लफ्रेंड स्कैम हो सकता है तो गैंड स्कैम भी हो सकता है, इसलिए अपनी अपनी गांड को बचा के रखना, कहीं स्कैम ना हो जाए। गाइस इसे सीरियस मत लेना, ये मजाक कर रहा था। अब देखो कुछ यूट्यूबरों के मुताबिक रियोट ने राज की गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बाद उससे उसकी प्राइवेट फोटोज मांगी। अब प्राइवेट फोटोज का मतलब तुम लोग समझ ही जाओ, एक लड़की के अंदर क्या प्राइवेट होता है, उसकी गांड, अब तुम लोग आगे समझ ही गए होंगे। और रियोट के द्वारा प्राइवेट फोटो मांगने पर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे अपनी प्राइवेट फोटो भेज भी दिया। इमोशनल डैमेज। और गाइज इस बात को सुनने के बाद मेरे दिमाग का पूरा भांग घोसड़ा हो गया, और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आजकल की जनरेशन कितनी ज्यादा मादर चोद हो चुकी है जो अपनी फोटो भेजने के साथ साथ अपनी गांड की फोटो भी भेज देती है। बताओ इतना मादर चोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। और जैसा ही रियोट की गर्लफ्रेंड ने रियोट को अपनी गांड, मेरा मतलब अपनी प्राइवेट फोटो भेजी, तो रियोट ने उन फोटोज को अपने दोस्तों के पास भी भेज दिया। शायद रियोट सोच रहा होगा कि इसकी फोटो देखकर मैं अकेले ही कमजोरी क्यों लाऊं, मेरे दोस्त भी इसकी फोटो देखकर अपने शरीर के अंदर कमजोरी लाएं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसकी फोटोज को दोस्तों के पास भेजने के बाद रियोट एफएफ ने उसका इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट सारा चीज स्कैम कर लिया, हैक कर लिया, उसका पासवर्ड वगैरह सब चेंज कर दिया, और उसके बाद रियोट उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। और गाइस तुम ये बात बताओ कि जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर दूसरे को अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है और किसी के प्राइवेट फोटो मांगने पर वो अपनी प्राइवेट फोटो भी भेज सकती है, ऐसी लड़की को क्या बोलना चाहिए, एक अच्छी लड़की या एक संस्कारी लड़की या फिर 150 रुपए में बिकने वाली। गाइस सच बताऊं तो लड़कियों के इन्हीं कारनामों को देखकर ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला चक्कर मुझे एक नंबर का चुदाऊ लगता है। इमोशनल डैमेज। अब देखो रियोट उस लड़की के साथ ये सब काम करके उसे ब्लैकमेल कर रहा है, और ये सब बातें उस लड़की ने एक यूट्यूबर को बताया जिसका नाम है कलाम 222। तो गाइस पहले तुम लोग उस लड़की की बातों को सुनो। रियोट एफएफ ने सोशल प्लेटफॉर्म का तुम्हारा क्या क्या लिया था? मेरा ये एफबी स्कैम कर लिया, उसी के साथ ये मेरा इंस्टा भी था तो वो भी चला गया उसी के साथ, तो दोनों स्कैम हो गया, और उसके बाद मेरा नंबर भी वायरल कर दिया और कुछ पर्सनल पिक को लेकर ब्लैकमेल भी कर रहा था। तो फिर तुमने उसको लेकर के उसको बोला नहीं, अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं जल्दी घुस सकती हूँ, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा? मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी और मतलब मेरा इधर फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ बोली नहीं। तो भाई ये सब भांग घोसड़ा सुनने के बाद तुम्हें यकीन हो गया होगा कि रियोट ने इसके साथ गलत किया है, पर गाइस तुम लोग गलती से भी इन बातों पर विश्वास मत कर लेना। और गाइस तुम उस लड़की पे तो बिल्कुल भी विश्वास मत करना जो महीने में 4 बार अपना बॉयफ्रेंड बदलती हो, क्योंकि हो सकता है कि इसने दूसरे के कहने पर ही रियोट के ऊपर एलिगेशन लगा दिया हो, क्योंकि जब ये रियोट के कहने पे राज को छोड़ सकती है तो रियोट के ऊपर फेक एलिगेशन लगाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बात तो सही है। और गाइस सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लड़की रियोट की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि गाइस मुझे ऐसा लगता है कि जिस लड़की की ये आवाज है ना, शायद से मैं उस लड़की से बात कर चुका हूं और उसका फोन नंबर भी मेरे पास है। इसलिए गाइस तुम लोग इस लड़की की दुख दर्द भरी बातों पर विश्वास मत कर लेना, वरना तुम सबका चूतिया भी कट सकता है। इसलिए गाइस मैं तुम सबको पूरा कंफर्म करके बताऊंगा कि ये लड़की सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। जब तक के लिए तुम किसी भी चूतिया यूट्यूबर्स की बातों में आकर विश्वास मत कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को लाइक कर देना और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।